Next question. Uh, question says unpolarized light is incident uh, from air on a plane surface of material of refractive index mu. At a particular angle of incident i, it is found that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. Sawale, which of the following statement is correct uh, for this situation? Uh, first situation is Reflected light is polarized with its electric uh, vector. पैल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंट ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी है अपना रिफ्लेक्टेड राइट रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विद इट्स इलेक्ट्रिक पावर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट ऑप्शन सी है आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाय व्यू और ऑप्शन डी है आई इज इक्वल टू टेन इन्वर्स वन बाय व्यू ना बहुत ही सिंपल सवाल है बेसिक्स अपने यहाँ क्लियर होने चाहिए सो so, होता ये है कि ये अगर आपकी पोलराइजिंग सर्फेस है तो इसके ऊपर जब आपकी लाइट इंसिडेंट होएगी सो ये आपका इंसिडेंट है लाइट उसके बाद जब ये लाइट आपकी इस पर इंसिडेंट होएगी उस केस में लाइट के दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं एक कंपोनेंट अंदर जिसको हम ट्रांसमिटेड भी बोल सकते हैं या ये रिफ्लेक्टेड पोर्शन है और यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड पोर्शन इधर आता है और ये वाला आपका प्लेन पोलराइज पोर्शन होता है सो तो ये आपकी लाइट इस तरह से एक पोलराइज हो जाती है ये वाली लाइट आपकी पार्शली पोलराइज होती है सो दिस इज कॉल्ड एंड दिस इज प्लेन पोलराइज पार्शलीज सो हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि अगर लाइट इंसिडेंट है तो उस केस में क्या होएगा इसका करेक्ट आंसर है रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विथ ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विद इट्स इलेक्ट्रिक वैक्टर पर पर्नडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर इस केस में जो आपका टेन थीटा होता है या आपका जो ये टेन आई आएगा इसको हम ब्रू एस्टर एंगल बोलते हैं जस्ट आपकी थोड़ी रिवाइज करवाने के लिए और इस ब्रू एस्टर एंगल की वैल्यू जब उसका हम टेन थीटा लेते हैं तो आपके म्यू के बराबर होती है जो कि आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे होएगा ऑल राइट सो बेज ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर